ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਲੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਿੱਥਾ ਤੁਝਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥਾ ਧਰਤੀ ਔਰ ਚਾਂਦ ਕੀ ਦੂਰੀ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥਾ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ऐसे मान उसके इस देश के लिए आजादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। हम आज के युवा पीढ़ी से यही रिक्वेस्ट है, भगत सिंह जी की जो रास्ते पे उनके कदम पे चल के उनका जैसा भारत में नाम हुआ, हर हिंदू युवा उसी तरह नाम कमाना बोलते, देश के लिए जो भगत सिंह ने बलिदान दी, आज हर जवान, हर इंसान, हर नवयुवक सब देश के लिए ये करना बोलते मैं सोनिया कहते हैं जो देश के काम आए। और फर्क इतना है कि अगर कोई फौज में भी हो और बहुत बड़ा बहादुर हो और अगर आर्डिनरी चीज के अंदर मारा जाए तो उसको शहीद नहीं कहते, खाली वीर कहते हैं। जो देश के लिए मारा जाए, जो देश के लिए सर्व बलिदान करे उसे शहीद कहते हैं। और आज नौजवानों के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए भगत सिंह से बड़ा कोई शहीद पैदा नहीं हुआ। हम प्रेरणा लेना चाहते हैं कि हम हमारे परिवार में उनको याद करके वो खून, वो स्फूर्ति पैदा करें जो देश को आज बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों के घरों के अंदर अगर शहीद भगत सिंह जैसे खाली विचार भी लेके आ जाएंगे तो ये देश को, भारत को, सारी दुनिया से कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। अब्दुल गल पुलिस स्टेशन के सर्कल साहब यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी भाइयों से अनुरोध है, हर कोई भगत सिंह और सतगुरु सुखदेव जी, राजगुरु जी, उन्होंने जो है अपनी जान त्याग के तो हमारे लिए इंडिपेंडेंस का जो है रेवोल्यूशन जो है जो लोगों ने किया है, हम लोगों को जनता जो है वो ताकत देने के त्यागों से मिला है हमको। तो हमें हमेशा याद रख के जो हमारे आदर और प्रणाम हमेशा देना है। और आज यही हमारे रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ आए हैं। सीने में जो दिल था यार आज बनाओ तुम, आज भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है। आज गौलीगुड़ा पर भगत सिंह जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर हर साल अन्नदानम कराया जाता है, अन्न प्रसाद जो कहते हैं हम। और आज युवा भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव सबको भूल जा रहा है। मैं यही अपील करूँगा कि युवाओं से बढ़ चढ़ कर हमें याद करना चाहिए भगत सिंह जी को, और सुखदेव, राजगुरु उनको भुला नहीं सकते। ये हमारे युवाओं की 23 साल की उम्र में जो फांसी पर हंसते हंसते सूली चढ़ गए अपने देश के लिए, मैं युवाओं से
अपील करूंगा कि हर वो शहीदी दिवस हो भगत सिंह का और उनका जन्म दिवस हो बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। మరి స్వాతంత్ర్యం కోసము ఎన్నో బలిదానాలు ఇచ్చిన ఎంతో గొప్ప మంది వీరుల్లో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది భగత్ సింగ్ సుఖదేవ్ గారిని. చిన్న వయసులో వారు 23 సంవత్సరాలు అంటే ఎన్నో కోరికలతోటి ఎన్నో ఆశలతోటి ఉండే ఆ వయసు, ఆ యుక్త వయసులో వారు దేశం కోసము వాళ్ళ యవ్వనాన్ని వాళ్ళ వీరత్వాన్ని దారిపోసి స్వతంత్రం కోసము ఎంతో అంటే ఆనందంగా భారత మాతకు వారు వాళ్ళ ప్రాణాలను అర్పించడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయము. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాల్సిన విషయము. కాకపోతే దురదృష్టవశాత్తు ఇలా పాశ్చాత్య మోహంలా తర్వాత చరిత్రను మర్చిపోయి చరిత్రను తప్పుదోవన పట్టించే చరిత్రకారులు మనకు ఉండడం వల్ల మన దురదృష్టం అనుకోవాలి. కానీ ఈరోజు కూడా మనం భగత్ సింగ్ని ఎంతో గొప్పగా స్ఫూర్తి తెచ్చుకొని ముందుకు పోతున్నాము. మరి ఇది ఒక గొప్ప పాఠ్యంగా ఒక పుస్తకంలో మనం పిల్లలకు పెట్టి వారు దీని నుంచి ఎంతో దేశమన్నా దేశ స్వాతంత్రం అన్నా దాన్ని ఏ రకంగా మనము సాధించాలి, దానికి ఎంతటి బలిదానాన్నైనా ఇచ్చి ముందుకు సాగాలి అనే ఒక గొప్ప చరిత్రను మనకు తెలిపిండు భగత్ సింగ్. మరి ఆయనకు మనస్ఫూర్తిగా ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు స్వాతంత్రాన్ని అనుభవిస్తున్నారు అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయనకి కృతజ్ఞతలు, ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు తర్వాత దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు వారికి జోహార్లు అర్పిస్తారు. ఆ షహీద్ దివస్ కే మౌకే పర్ హమ్లోగ్ యహాన్ పే పూరే ఇకట్ఠా హువే హై ఔర్ భారత్వాసీ హోనే కా హమే బహుత్ గర్వ్ హై జో హమారే భగత్ సింగ్ और राजगुरु और सुखदेव जैसे महाराज महारथी पैदा हुए हैं भारतवर्ष में और हमें उनसे सीख मिलती है कि हमारे भारत माता के लिए हमें बच्चों को कैसे आगे परवरिश होनी चाहिए। और आज के ज़माने में ये हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है, हम उन्हें लेके चलते हैं। और यहाँ पर उनकी आज शहीद दिवस पर यहाँ पर प्रसादी रखी जाती है हर साल गुरुद्वारे के सामने और पूरे हमारे सिख समाज यहाँ पर इकट्ठा होकर हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्यार मोहब्बत जो दिखाते हैं, हमारे भारतवासी होने का दिखाते हैं। और भारत माता की जय। जय तेलंगाना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उनके साथ सैकड़ों ऐसे लोग जिन निर्दोषों को फांसी पे चढ़ा दिया था, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नौजवानों से अपील करते हैं कि अक्सर चलचित्रों में देखा जाता है, ये बताया जाता है कर चले हम फिदा जाने तन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। ये देश नौजवानों का है, नौजवानों ने इसकी आज़ादी को संभालना है। ये देश भारतवर्ष है, भारतवर्ष में हर जाति के लोग, हर नौजवानों से मेरी अपील है कि इस आज़ादी को बड़े खूबी से, बड़े अच्छे ढंग से निभाते हुए देश की तरक्की की ओर बोले बहादुर साहेब जी अगर शहादत ना देते थे तो आज हिंदुस्तान का नाम कुछ और होता था। ये बखूबी हर हिंदुस्तान का प्राणी जानता है, फिर भी सिक्कों पर उंगली उठाया जा रहा है। हम माइनॉरिटी में हैं, बिल्कुल माइनॉरिटी में रहेंगे, लेकिन एक बात हिंदुस्तान के हर प्राणी को याद रखना चाहिए, जंगल में जो शेर होते हैं कम तादाद में होते हैं लेकिन वो शेर कहलाते हैं हमेशा। सिख लोग भी हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में है लेकिन हमारा सिख का पात्र, शेर का पात्र हम निभाते हैं। और फिर एक बार शहीद भगत सिंह जी सुखदेव राजगुरु को शत शत नमन करता हूँ, यहाँ के प्रबंधकों को धन्यवाद करता हूँ जो कि समय देकर मुझे नवाजा गया है। वाहेगुरु जी का खाली की फतेह। भारत में सिख ना होते तो क्या होता, उस मासूम से बच्चे ने जवाब दिया है। मैडम जी इस सवाल का जवाब शायद मैं उन्हीं ने दिया था।
कहने का तात्पर्य था सिख है तो भारत गुरुदेव महाराज जी की शहादत चले गए, गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत, उनके बच्चों का बलिदान एक इतिहास बना है पिछले 400 साल का, उससे लेके आज तक भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, ये शहादतें ही हैं जो हिंदुस्तान को कायम रखेंगी है और आगे भी ऐसे ही हिंदुस्तान को कायम रखेंगे। मैं दादा भाई मारते ने खालसा सेवा कर दी 2306 साल वीरदार हिंदादा फौजी सेनासन जिस 18,000 उपाधि सिख साल हिसाब लगाया जाए ते साढ़िया कुर्बानियां 98% तो भी ज्यादा है, असि 2% भी नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन साढ़िया कुर्बानियां 98% तो भी ज्यादा है। मान है इस गल का, दादा आप का सम्मान आंदा हो। मैं फिर एक बार गोलीगुड़ा के प्रबंधक गोलीवान खास उचेचे तौर सरदार इंद्र सिंह जी, योगिंद्र सिंह जी दुआ, इन्हों सारे का ही मैं गुरमीत सिंह जी तह दिल तो धन्यवाद करता हाँ, जो ऐसे शहीदों ने ऐसे मर जीवड़े गुरसिखा की याद मानते हैं, सारे नौजवान के हिरदे प्रेम उल्लास शांति देवी जी पहुंच चुके हैं। मैं भगत सिंह सरकार एसोसिएशन की ओर से, सिख समाज की ओर से जो आज विशेष प्रोग्राम है आप यहां पहुंचे हैं, बीजेपी चीफ प्रेसिडेंट जी आप पहुंच चुके हैं, मेरा उनका अनुरोध है गुरुद्वारा चंद्र सिंह सभा के अध्यक्ष भूतपूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी बरकार और सिख सभा साहेब कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने देश के लिए शहीद हुए
और हम सबको एक स्फूर्ति देते हुए उन्होंने आज ये श्रद्धांजलि का मौका हमको दिया। सो मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए जो मौका मिले।